सुबह सुबह उठकर आपको फोन पर एक वीडियो दिखे जिसमें एक लड़का घोड़ी पर बैठा है, वही भीड़ में खड़ी एक लड़की हाथों में चप्पल लिए तमाशा कर रही है, और फिर लड़का घोड़ी से उतरकर फरार हो जाता है और लड़की उसके पीछे दौड़ लगाती है। तो समझ जाइएगा ये यूपी का वही अजीबोगरीब मामला है जिसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। शादी की ये कहानी सुनने में कोई स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन ये सच्ची घटना है जो कि अमरोहा के रमा थाना इलाके की बताई जा रही है। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल अमरोहा में उस वक्त हंगामा हो गया जब दूल्हे की गर्लफ्रेंड शादी के दौरान आ धमकी। गर्लफ्रेंड ने बग्घी पर बैठे अपने लवर को देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने चप्पल उतार ली। गर्लफ्रेंड को देखते ही दूल्हे को पसीना आ गया और वो बग्घी से कूदकर बाइक पर बैठकर दे दनादन भाग निकला। लड़की का कहना है कि दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है, लेकिन लड़का उसे बिना बताए दूसरी शादी करने जा रहा था। हंगामा कर रही लड़की और उसके परिवार वालों को बारातियों ने पकड़ लिया और लात घूसों से बुरी तरह पीटा भी। वही मामले की जानकारी दुल्हन पक्ष को हुई तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उधर पुलिस के मुताबिक दूल्हा गर्लफ्रेंड और दुल्हन पक्ष को आमने सामने बिठाकर बात की गई थी, जहां दुल्हन पक्ष ने शादी ना करने की बात कहते हुए शादी में हुए खर्च दिलाने की बात कही। उधर गर्लफ्रेंड ने अपने लोकल थाने में शिकायत करने की बात कही थी, जिसके बाद आपसी समझौता हो गया और वो लोग रात में ही चले गए। मारपीट होने की जानकारी फिलहाल नहीं है, ऐसा है तो जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। बीते शुक्रवार को घुचड़ी के दौरान हुए गर्लफ्रेंड के हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारात निकलने के दौरान दूल्हे की गर्लफ्रेंड आ धमकती है और दूसरी शादी किए जाने के विरोध में जमकर हंगामा करती है। हंगामे के दौरान दूल्हा बग्घी से उतरकर भागने लगता है और लड़की भी दूल्हे के पीछे पीछे दौड़ लगा देती है।